हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ यहाँ पर आईपीएल 2020 के शेड्यूल और भविष्य को लेके आज बीसीसीआई कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के जरिए सारे ओनर्स के साथ बात करने वाली थी और आपको भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी क्योंकि इस मीटिंग में यहाँ पर डिसाइड किया जाने वाला था कि आखिर आईपीएल 2020 होगा या फिर नहीं, अगर ये होगा तो किस तरीके से कराया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, तो उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट तक। और उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई और यहां पर टीम के ओनर्स के बीच में जो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के जरिए मीटिंग होने वाली थी जिसमें ये फाइनल डिसीजन आना था कि आईपीएल 2020 आखिर कब से स्टार्ट किया जाए और किस तरह से स्टार्ट किया जाए, कि यहां पर सरकमस्टेंसेस के अंदर आईपीएल 2020 का आयोजन संभव हो सकता है। तो मैं बता दूं कि ये मीटिंग यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाई है। बीसीसीआई ने कोई भी मीटिंग यहां पर करने से इनकार कर दिया है, इसका रीजन हमें बताया नहीं गया है, लेकिन यहां पर सौरव गांगुली ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी मीटिंग बीसीसीआई और टीम के ओनर्स के बीच में नहीं हुई है। दूसरी बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है, जो सौरव गांगुली ने दी है, उन्होंने यहां पर बताया कि आईपीएल 2020 के फ्यूचर को लेकर अभी भी उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। उनका रिस्पॉन्स आज भी वही है जो कि आज से 10 दिन पहले था, जबकि आईपीएल 2020 को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया था 15 अप्रैल तक के लिए। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि 10 दिन पहले भी जो हालात थे अभी भी सेम ही हालात चल रहे हैं, कोई भी यहां पर इंप्रूवमेंट नहीं आई है, जो बीमारी है वो और ज़्यादा फैलती जा रही है। तो अभी भी बीसीसीआई यहां पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, कोई भी डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं और कोई भी असेसमेंट यहां पर, कोई भी डिसीजन फाइनल डिसीजन तक पहुंचने में बीसीसीआई को यहां पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गाइज इसके साथ ही बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने पीटीआई न्यूज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट खबर दी थी। उन्होंने बोला था कि यहां पर मई के पहले हफ्ते में आईपीएल 2020 हमें स्टार्ट होते हुए नजर आ सकता है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक चीज ये भी बोली थी कि मई के पहले हफ्ते में आईपीएल तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि अप्रैल के फाइनल तक ये बीमारी यहां पर पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाए, तभी मई के पहले हफ्ते से आईपीएल को स्टार्ट किया जाएगा और आईपीएल वो भी जल्दी जल्दी कराया जाएगा। सेम 2009 की तरह यहां पर फॉर्मेट होगा जैसे कि उस टाइम पर हुआ था, 30 दिन में यहां पर 59 मैचेस को खत्म करवा दिया गया था, तो उसी तरह से यहां पर जल्दी से जल्दी आईपीएल को खत्म किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर मई के पहले हफ्ते तक भी आईपीएल स्टार्ट नहीं हो पाता है तो फिर यहां पर हो सकता है, बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि बीसीसीआई आईपीएल 2020 को रद्द करा देगी, क्योंकि उस केस में यहां पर उसके बाद और भी बहुत सारी सीरीज होने वाली है। हर टीम के प्लेयर्स को अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए भी खेलना होता है, टीम इंडिया की भी सीरीज है और उसके बाद यहां पर वर्ल्ड कप के लिए भी प्लेयर्स को जाना होता है। तो ऐसे में जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में जो आईपीएल की विंडो कराने का बीसीसीआई प्लान कर रही थी वो प्लान यहां पर पूरी तरीके से फेल होने वाला है। तो ऐसे में मई के पहले हफ्ते तक यहां पर आईपीएल पर कोई ना कोई फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए, वरना फिर उसके बाद आईपीएल 2020 यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो आज के पूरे दिन में निकल कर आई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कमेंट करके आप लोग मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताना कि जिस तरह की कंडीशन यहां पर अभी देश में चल रही है, क्या आप लोग चाहते हो कि अभी भी आईपीएल 2020 होना चाहिए या फिर नहीं, आपके क्या थॉट्स इस बारे में। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।